ये बताएं आपका भी ट्रैक्टर शो नहीं हुआ है क्या? जी सर। कब हुआ बताइए, कैसे हुआ सर? ये आज के रात में हुआ, वही एक बजे रात करीब हुआ। और ये चंदीपा जंगी रोड से हुआ और हमारे बाजू में नटवा एक चौकी है, वहाँ कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, उनके कैमरे में दिख नहीं रहा है और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कैमरे का फुटेज नहीं चल रहा है, कैमरे का फुटेज नहीं चल रहा है। कहाँ का फुटेज नहीं चल रहा है? नटवा चौकी का। और चल भी रहा है तो आज का डेट 25 बता रहा है, चल भी रहा है तो आज का डेट 25 बता रहा है। तो सही डेट दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल बिंद है सर। तो कैसे पता चला ट्रैक्टर चोरी हो गई? मैं सर रात में जब उठा तो देखा मेरी ट्रैक्टर थी नहीं, तब क्या किया आपने? फिर मैंने सर यहाँ चौकी प्रशासन को सूचना दिया। एक सेकंड, फिर से बताइए क्यों आक्रोशित हैं आप लोग? आक्रोशित हम लोग इसलिए तो है कि मतलब आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं हो रही है, कहीं ट्रैक्टर चोरी हो रहा है, कहीं भैंस चोरी हो रही है। प्रशासन के पास जाए तो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कि जाइए आप लोग खोजिए, इससे कोई तरीका है? दो दो चौकी, एक नटवा चौकी है, दूसरा मतलब की मंडी समिति चौकी है, वहाँ जाए कोई सुनवाई नहीं है। आपका क्या चोरी हुआ है? हमारा भैंस चोरी हुआ है। कितना दिन हुआ चोरी? 1.5 महीना हुआ। तो थाने पर गए तो क्या बोले वहाँ? वहाँ बोले ये बोला कि भाई जाइए खोजिए आप लोग। क्या नाम है आपका? हमारा संजय कुमार नाम है। कहाँ से चोरी हुआ है? हमारे यही मतलब जंगी रोड से, चंद्रदीपा से। जहाँ से ट्रैक्टर चोरी हुआ? हमारा नाम सर मनीष कुमार है। यहाँ हमारे मोहल्ले में घर के सामने से मतलब 50 कदम की दूरी पे ही तीन तीन चार चार चोरियां हो चुकी महीने के अंदर। एक महीने के अंदर तीन तीन चार चार चोरियां जंगी रोड चंदीपार पे। और यहाँ पुलिस ना तो यहाँ गश्त करवाती है, ना तो खुद आती है, ना तो देखती है। लोग चौकी पे जाते हैं तो वहां से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, देख रहे हैं, मुखबिर को लगा रहे हैं, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अगर कुछ कहीं मिल भी रहा है तो बोल रहे हैं कि फलानावा थाने चले जाओ, लालगंज चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उधर देख लो, कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है। घुमा फिरा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब इस बार चोरी आपकी ही होनी है? हमारी चोरी तो हो चुकी है, भैंस सब चोरी हुई है 1 महीने के अंदर। बताए भाई साहब क्या मामला है पूरा, लोग भीड़ लगा है? मामला ये है सर कि यहाँ की शासन प्रशासन इतना ढीला तरीके से काम कर रही कि आए दिन हफ्ता नहीं बीत रहा है, एक न एक नई नई घटनाएं सामने आ रही है जिसमें चोरी का तादार लगा हुआ है, जिसे देखकर आदमी इतना दुखी है। जिसका जा रहा है रोजी रोजगार, किसी तरह इंसान अपना छोटी पूंजी से रोजी रोजगार चला रहा है, जो कि उसे भी ठीक से न चलाने पाए। प्रशासन की व्यवस्था इतनी यहाँ खराब हो चुकी है जिससे हम लोग इतना कष्ट और इतना तकलीफ में है कि हम लोग क्या बताएं। तो इतने कम समय में इतनी चोरियां और पास में ही चौकी भी है, तो आप लोग शिकायत बड़े अधिकारी से नहीं? 24 से 25 दिन के अंदर तीन तीन ट्रैक्टर, एक ट्रॉली, एक भैंस, ऐसे करके लगातार दिन पर दिन चोरियां होती जा रही हैं। आज प्रशासन क्या कर रही है, क्या कर नहीं कर रही है कुछ समझ। प्रशासन के पास पहुंचने पर प्रशासन सीधा जवाब देती है कि चलो देखा जाएगा, दौड़ाती है, परेशान करती है, हमारी बात को ठीक से सुना नहीं जाता है। तो आप लोग कप्तान के यहाँ क्यों नहीं जाते इस सारे? कप्तान के पास जाने पर सूचना दिया जाता है, फिर यहाँ की प्रशासन आकर के डांटती है। ठीक, क्या नाम है आपका? शरद कुमार बिंद। बताएं क्या मामला है? जी सर, हमारे ट्रैक्टर 1:22 पे 7 तारीख को दिन में आई रात में, और उसके बाद हमने सुबह उठ के देखा तो हमारी ट्रैक्टर गायब हो गई। फुटेज के हिसाब से 2:08 पे गई, 2:08 पे यहाँ से स्टार्ट हुई नटवा चौकी पे, 2:10 पे दिखाई दे रहा है, पोल तरफ जाते हुए देखा, उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला सर। प्रशासन, क्या नाम है आपका? जी हमारे, मेरा नाम श्री शंकर है। तो थाने पे गए, क्या हुआ वहाँ पे? थाने पे गए सर FIR करने के लिए, 2 दिन तक FIR नहीं किए, तीसरे दिन शाम को FIR लिखा गया था। दौड़ाते जब कितना पुराना दौड़ाते थका दिए थे। कितना पुराना ट्रैक्टर था आपका? पुराना तो 2009 मॉडल था, हमको लिए दीपावली पे लिए थे 2-3 दिन पहले। कुछ लदा भी था उसपे? जी नहीं, ट्रॉली करके आई थी। ट्रॉली भी था उसके साथ? जी। किसके नाम ट्रैक्टर था?
जी हमारे नाम सर। क्या नाम? शिव शंकर प्रसाद। ठीक है भैया, यादव का नंबर चोरी हो गया ना।